हाय, मैं हंदला खान एंड यू आर वाचिंग द अननोन। आइए जानते हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी क्या है, और आप हमारा इसमें डायग्राम भी देख सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आप अपने स्तन में मनचाहा वृद्धि कराएं और मनचाहा शेप में ढाल लें। ये जानते हैं ये सर्जरी होती कैसे है। अगर हम बताएं आपको, तो आपका प्लास्टिक सर्जन आपके ब्रेस्ट टिश्यू या ब्रेस्ट मसल के अंदर एक ऐसी कैविटी क्रिएट करता है जिसके अंदर वो इम्प्लांट को रख देता है। इम्प्लांट एक मेडिकल डिवाइस है जिसकी सहायता से आपके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ सकता है। आइए जानते हैं कि स्तन वृद्धि का ये प्रचलन इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। इसके चार रीजन हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला तो रीजन ये होता है बड़े स्तन पाने के लिए। कई बार फीमेल्स को ऐसा लगता है कि बड़े ब्रेस्ट फीमेल अट्रैक्टिव सिंबल माने जाते हैं। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जब रिप्रोडक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से आपके स्तन में कुछ चेंज आ जाता है जिसे वो वापस पाना चाहते हैं। तीसरा रीजन होता है मास्टिक्टोमी, यानी ब्रेस्ट कैंसर के बाद खोया हुआ आयतन को वापस पाने के लिए। वहीं चौथा रीजन ये हो सकता है कि जब उम्र बढ़ने लगती है तो उसकी वजह से स्तन छोटा होने लगता है और साथ ही उसके आकार में बड़ा बदलाव आता है जिसे वो वापस पुनः पाना चाहती है। इसका प्रोसीजर क्या है, इसके लिए आपका मेडिकल सर्जन सबसे पहले तो चीरा लगाता है इन तीन स्थानों में से किसी एक स्थान पर। वो तीन स्थान कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला है इंफ्रा मेमरी, यानी आपके स्तनों के सिलवटों के नीचे। वहीं दूसरे नंबर पे आता है एक्सिलरी, यानी आपके बाहों के नीचे। वहीं तीसरे नंबर पे आता है निप्पलों के आसपास, जिसे हम लोग बोलते हैं पेरियोरियोलर। वहीं सेकंड स्टेप में आपका सर्जन आपके ब्रेस्ट टिश्यू को ब्रेस्ट की मसल और कनेक्टिव टिश्यू सेपरेट कर देता है जिसकी वजह से कैविटी क्रिएट हो जाती है। कैविटी के भी दो स्थान होते हैं, पिक्टोरल मसल के आगे या तो फिर पिक्टोरल मसल के पीछे। इसी कैविटी के अंदर इम्प्लांट को रखा जाता है। फिर वो इम्प्लांट दो तरीके के होते हैं, एक बार तो खाली इम्प्लांट को रख दिया जाता है फिर उसे बाद में फिल किया जाता है। वहीं तीसरे दूसरे नंबर पे आता है सिलिका इम्प्लांट, जिसे सिलिकॉन जेली से पहले ही भर कर रखा जाता है। इम्प्लांट को रख देने के बाद आपके जो चीरा वाला स्थल है उसे टाका लगा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर टेप लगा देते हैं। में हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्रेस्ट इम्प्लांट के कितने नुकसान होते हैं और क्या इसके रिस्क होते हैं।